अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। सबसे पहले तो मैं एसी ऑन करूँ, बहुत गर्मी है भाई, इंतहा की गर्मी है। 43-44 जा रहा है आजकल दुबई में और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मेरा तो किच ठंड माशाल्लाह बिल्कुल पगला गए हैं हम गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं पहले आके गोश्त और करेले छोड़ गई थी, चलो ये मेल्ट हो गए हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। आज मेरे पास बड़ा प्रेशर कुकर नहीं है, आज मेरे पास कुकर भी छोटा है। मैं साथ साथ अपने काम को शुरू करती हूँ। अच्छा, ये मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी मैंने धोने हैं। अच्छा, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी, मेरी बचपन की फेवरेट तरीन रेसिपी। मुझे हम बचपन में ना, मेरी मतलब जब हम छोटे थे तो अम्मी, बल्कि जब तक अम्मी बनाती नहीं है खाना, तो वो ज़रूर मटन में कुछ ना कुछ ऐसा बनाती थी। जैसे मटन करेले बहुत मशहूर थे, मटन और भिंडी बहुत मशहूर थी, भिंडी गोश्त, चाहे मोटा गोश्त, मतलब बीफ भी है, मटन भी है, कुछ भी है, भिंडी गोश्त, करेले कीमा। उसके अलावा मुझे गोश्त और मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें अम्मी बनाती रहती थी। तो आज उनकी वो चीज़ को रिवाइव करने के लिए मैं बना रही हूँ करेले गोश्त, ऑथेंटिक मेरी अम्मी और नानों की रेसिपी के साथ। मेरी अम्मी और नानों के हाथ में जितना जायका था, मेरे ख्याल में मैंने दुनिया में उतना जायका किसी बंदे के हाथ में नहीं देखा, मेरे हाथ में भी उतना नहीं है जितना माशाल्लाह उन दोनों के हाथ में जायका था। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ाएंगे, नहीं छोटी सी कुकरी आज उसमें चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। जी, चीज़ें सारी मैंने कट कर ली हैं। एक मैंने प्याज कट किया है, दो हरी मिर्चें कट की हैं, 5 से 6 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का था। टमाटर मैं इसमें नहीं डालूंगी, टमाटर मैं डायरेक्ट करेले में डालूंगी। और ये है हमारे पास लाल मिर्च, नमक, पीसा धनिया, ज़ीरा, ठीक है। मिर्च भी मैंने 1/4 चम्मच डाली है, हल्दी तो 1/4 चम्मच, नमक भी आधी से थोड़ी सी ज़्यादा, ज़ीरा भी आधी से चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, और धनिया 1 चम्मच भर के। ये अब सारी चीज़ें हम डालेंगे अपनी छोटी सी कुकरी में। मेरी कुकरी देखें कुछ छोटी सी है, छोटी सी, ठीक है ये, लेकिन इसमें गोश्त गल जाएगा। गोश्त भी हमारे पास तकरीबन 600 ग्राम से 700 ग्राम के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ये हमने डाला है इसके बीच में गोश्त, गोश्त के ऊपर डाले हमने अपने ये वाले मसाले, और उसके ऊपर हम डाल देंगे अपना प्याज। टमाटर मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि टमाटर हम ऑलरेडी उसमें जो डालेंगे, तो इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इतना टमाटर मैं नहीं खाती, मैं डालती हूँ, ठीक है। और साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल दी, और कुछ भी नहीं डालना आपने इसके बीच में, नथिंग एल्स। अच्छा, एक तेज़पत्ता मैं डालूंगी बस, उससे ना ज़रा गोश्त की एक तो स्मेल भी चली जाती है, और दूसरी चीज़ उससे क्या होती है कि मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें सुना था कि वो फैट अब्जॉर्बेंट भी है। तो एक तेज़पत्ता हम इसके बीच में शामिल करेंगे। ऑलराइट जी, ये हम इसमें तेज़पत्ता इसके बीच में शामिल कर देते हैं, और उसके अलावा ना हम इसमें ऑयल डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस इसको पकने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, लेकिन ये मेरा प्रेशर कुकर जो है ना, ये वो वाला नहीं है, ये इंडियन सिटी वाला कुकर है, लेकिन मैं इसको टाइमर ही हल्की आँच पर करके ना टाइमर ही नोट करती हूँ। इसको हम लगाते हैं और साथ ही हम अपने करेलों को फ्राई करना शुरू करते हैं। गोश्त हमारा प्रेशर कुकर में पक रहा है, ये मैंने कढ़ाई रख ली है करेलों को फ्राई करने के लिए। वही मैं अपना डालूंगी इसमें सरसों का तेल, और सरसों के तेल के साथ हम डाल देंगे अपनी ये करेले। करेले भी मेरे पास आधा किलो थे, और काट के जो गम निकाल के फिर बचते हैं पीछे, बस वही करेले, ठीक है। और वो आपके सामने गोश्त है, करेले हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, साथ ही हम काट लेते हैं साथ साथ करेलों के लिए प्याज। ये 4 प्याज हैं, दरमियानी साइज़ की, इतनी बड़ी प्याज नहीं है, एक मैं काट के डाल चुकी हूँ और बाकी 3 ये हैं, ये मैं काट के डालूंगी। करेले हमारे फ्राई हो रही है और कुकर भी हमारा 1 सीटी तो बोल चुका है, लेकिन मैं टाइमर नोट करती हूँ, 10 मिनट लगाऊंगी इसको। करेले हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। ये हमारे पास वो 4 अदद प्याज थी और 3-4 हरी मिर्चें थी, ये भी हम इसके बीच में डाल देंगे। आज आप कहेंगे कि मैंने धनिया नहीं डाला, तो धनिया और सौंफ मैं अब इस टाइम पर डालूंगी इसके बीच में, ठीक है। साथ ही इसमें ये 3 चम्मच धनिया है, ये डाल दूंगी, और साथ ही इसमें तकरीबन 1 ढकनी भर के सौंफ डाल दूंगी, ठीक है, अच्छे खासे से। अब हम इनको अच्छे तरीके से प्याज और उसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं। साथ हमारा बस गोश्त भी तैयार हो गया है। ये देखें जी, गोश्त हमारा तैयार हो गया आपके सामने। मैंने इसमें कोई ऑयल डाल नहीं डाला था, लेकिन इसकी पानी में देखिए कितनी रखनी है, ये देखें मोटी टूट रही है, ठीक है। अब ज़रा सा हमारा प्याज हिस्ट है, तो फिर हम इस गोश्त को उसमें शामिल करेंगे, पानी को नहीं शामिल करेंगे। अच्छा जी, मेरी अम्मी ने कहा है कि अगर उसमें यखनी रहती है थोड़ी सी, तो उसको ड्राई कर लो, मतलब थोड़ी कम कर लो, और वो भी आप इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे, भूनते हुए ये पक जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोश्त मैंने दोबारा चढ़ा दिए, सिंपल, कुकर नहीं लगाया, अब इसकी यखनी को थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, इसके पानी को।
साथ ही इसमें हमने शामिल कर दी है एक चम्मच भर के लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी की। ठीक है, ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल करते हैं। पक तो गया है ये। अच्छा, ये है हमारे पास एक अदद बड़ा टमाटर। ठीक है, ये भी हम इसके बीच में शामिल कर देते हैं। बड़े साइज का टमाटर था। टमाटर चाहे तो आप गोश्त डालने के बाद भी डाल सकते हैं, गोश्त डालने से पहले भी डाल सकते हैं, दैट इज अप टू यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस साथ ही हम इसमें वो गोश्त का मटेरियल भी डाल देंगे और बस हमारी हांडी हो जाएगी तैयार। पहले मैं गोश्त डालूंगी, यखनी मैं देख के डालूंगी, यखनी की क्वांटिटी अंदर कितनी है, फिर उस हिसाब से यखनी इसके बीच में डालती हूँ। ऑलराइट जी, पहले मैं इसमें ज़रा गोश्त निकाल के डालूँ सारा आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल अच्छा सा गल गया, बिल्कुल बहुत अच्छा गल गया। ये जी हमारा गोश्त अच्छा खासा था माशाल्लाह। ये गोश्त चला गया बीच में। अब ये थोड़ी सी यखनी हमारे पास बची है तो हम इस थोड़ी सी यखनी को इसमें ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं मैं ऐड कर रही, थोड़ी सी यखनी बस मैं ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छा सा पका लेते हैं, भून लेते हैं। ठीक है, तेज़ आंच पे, ये फुल आंच पे हम इसको भून लेते हैं ताकि टमाटर भी हमारे भून जाएँ और ये भी भून जाए, फिर हम इसको एंड पे दम दे देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको दम भी देंगे। टमाटर जब भुनेंगे ना तो खुद ही इसका कलर रेड रेड निकल आएगा। ठीक है, अब अच्छे तरीके से आपने गोश्त डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेना। ऑलरेडी जी पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या हो गया था, टू हॉट का ऑप्शन दे रहा था, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था। अच्छा खैर, ये जो आपके सामने मैंने यखनी डाली थी वो मैंने हल्की आंच पे, देखिए धीमी आंच है, ना बहुत तेज़ थी ना बहुत हल्की थी, उस आंच पे टमाटर भी सारे बीच में मिक्स होके गल गए, वो पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया। गोश्त में तो वैसे कोई कसर नहीं थी लेकिन गोश्त और अच्छे तरीके से गल गया और वो यखनी से और इसका जायका जो है वो टेस्टी हो गया है। तो ये हो गए हमारे करेले गोश्त तैयार, अब मैं इनको डिश आउट कर लेती। ओके जी माशाल्लाह, ये देखें जी हमारे करेले गोश्त तैयार हैं, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और अब हम इनको थोड़ी देर बाद चपाती के साथ खाएंगे। इंशाल्लाह ताला रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।